Hello everyone, welcome back to TechnoCharts YouTube channel. Welcome to this algo trading video where we are going to discuss everything about algo test. तो algo test का मैं आपको complete tutorial देने वाला हूँ, कैसे आप इस platform के ऊपर sign up करके अपनी back test कर सकते हो strategies को, और कैसे आप इन सब strategies को live trade कर सकते हो. तो इधर आपको login और sign up का option आएगा. sign up का link मैंने description में डाल दिया है, अगर आप मेरी special link use करते हो जिसके साथ में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा प्लेटफॉर्म पे, राइट. तो मैं पहले लॉगिन कर लेता, जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो ये मुझे एक टर्मिनल दिखता है. नाउ इधर बेसिकली मुझे सबसे पहले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मुझे मेरा ब्रोकर कनेक्ट करना पड़ेगा. नाउ मैं लाइव ट्रेड्स में जाऊंगा, लाइव ट्रेड में जाने के बाद मैं ब्रोकर लॉगिन करता हूँ. तो ब्रोकर लॉगिन करने के बाद में मुझे पता चलता है कि इधर काफी सारे ब्रोकर्स है, जैसे एसी अग्रवाल, शून्य, एलिस ब्लू, एंजल वन, बाइगुल, चॉइस, फ्लैट ट्रेड, फायर्स, IFL, जैनम. सो अराउंड 30-35 ब्रोकर्स के ऊपर इस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड सपोर्ट करता है. और हर ब्रोकर का आपको सेटअप जो सेटिंग्स है वो पर्टिकुलरली उस ब्रोकर के साइड में लिखा हुआ है. जैसे कि अगर एलिस ब्लू में अगर आपको सेटअप करना है तो इधर आपको सेटअप का ऑप्शन आता है. और ये सेटअप जो है बेसिकली आपको ये रूल्स फॉलो करना है. ये रूल्स फॉलो करने के बाद में आपका ब्रोकर जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो आपको एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यस आपका ब्रोकर कनेक्टेड है. और इधर मैं देख सकता हूँ, जैसे कि इधर मुझे अगर लॉग इन करना रहा तो इधर लॉग इन का स्टेटस दिखता है. जैसे ही मैं लॉग इन कर लेता हूँ इधर मैं कितनी स्ट्रैटेजीज रन कर रहा हूँ ये भी दिखता है. जैसे कि इधर मैं चार स्ट्रैटेजी रन करने वाला हूँ, इधर कोई भी स्ट्रैटेजी रन नहीं है फिलहाल तो, राइट. तो लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपको बेसिकली स्ट्रैटेजीज बनाने का ऑप्शन आता है. तो इधर मैं क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी पे जाता हूँ. क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी पे हम जाने के बाद में हमको इंडेक्स दिखता है. इंडेक्स जो है ये बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया है. अगर आपको निफ्टी चाहिए या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, जो भी आपको इंडेक्स चाहिए तो आप इधर सिलेक्ट कर सकते हो. याद रखिए अगर आप मिड कैप या सेंसेक्स या बैंकेक्स यूज करते हो ऑल्ड एज में तो थोड़ी सी लिक्विडिटी का इशू आता है, तो उस केस में आप ज्यादा इन द मनी या ज्यादा आउट ऑफ द मनी ट्रेड ना करें, राइट. मैं अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड करता हूँ, निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मैंने स्टार्ट टाइम डाला है लेट्स से 9:30 का. 9:30 का मैंने स्टार्ट टाइम डाल दिया, एग्जिट टाइम मैंने डाल दिया है 15:15 का. अगर मुझे एक स्ट्रैटेजी ऐड करनी है तो मैं ऐड लेग पे जाता हूँ. नाउ जैसे ही मैं ऐड लेग पे चला गया हूँ, इधर नंबर ऑफ लॉट्स मुझे आ जाते हैं कि मुझे नंबर ऑफ लॉट्स कितने ट्रेड करने हैं, पोजीशन क्या है, इधर मुझे सेल पोजीशन बनानी है कि बाय पोजीशन बनानी है, और ऑप्शन टाइप क्या है कि कॉल ऑप्शन ट्रेड करना है, पुट ऑप्शन ट्रेड करना है. इधर बेस्ट बात यह कि मैं एक्सपायरी में वीकली एक्सपायरी भी चूज कर सकता हूँ, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी चूज कर सकता हूँ, साथ में मंथली एक्सपायरी भी चूज कर सकता हूँ, राइट. तो ये एक बेस्ट बात है. और स्ट्राइक सिलेक्शन के क्राइटेरिया में काफी सारी चीजें आ जाती हैं. जैसे कि अगर मैं स्ट्राइक में देखो, मैं एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ATM, OTM1, OTM2. सेकेंडली मैं क्लोजेस्ट प्रीमियम या प्रीमियम ग्रेटर देन प्रीमियम लेस देन 100 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. जैसे कि अगर अज्यूम कर लो कि मुझे ऐसे स्ट्रैटेजी बनाना है जहां पर मैं प्रीमियम ग्रेटर देन 100 या ग्रेटर देन 50 शॉर्ट कर रहा हूँ, राइट. अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी है तो मैं वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को इधर रन कर सकता हूँ, राइट. प्रीमियम मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ. लेट्स से कि अगर मैं बैंक निफ्टी में 50 रुपीज का प्रीमियम ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ. साथ में इसके अलावा प्रीमियम रेंज हो गया, स्ट्रैडल विड्थ हो गया, ATM परसेंटेज, अगर मुझे ATM +1% यूज करना है, ATM -1% यूज करना है. जनरली ऐसे स्ट्रैटेजीज मैं पर्टिकुलरली प्रेफर नहीं करता हूँ रन करने के लिए, बट आप ये भी चीज यूज कर सकते हो, राइट. इधर आगे नीचे जाने के बाद में हमें काफी सारे नए एडवांस सेटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे कि ओवरऑल स्टॉप लॉस. अगर आपको स्ट्रैटेजी में M2M स्टॉप लॉस डालना है, स्ट्रैटेजी में ओवरऑल री एंट्री डालना है, ओवरऑल टारगेट डालना है, या ओवरऑल री एंट्री ऑन टारगेट डालना है, तो ये सारे कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर केस में, राइट. आपको जैसे ही कोई भी स्ट्रैटेजी लाइव ट्रेड करनी है, लाइव ट्रेड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइव ट्रेड करने के लिए जैसे आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई, जैसे ही आपने कोई भी स्ट्रैटेजी को बनाया है, आप इधर जाकर एक्टिवेट पे सिलेक्ट कर सकते हो. आप एक्टिवेट पे सिलेक्ट करोगे, इधर आपको सेटअप एग्जीक्यूशन का सेटअप मांगेगा, राइट. एग्जीक्यूशन के सेटअप के टाइम पे आपको ट्रेड मॉनिटरिंग जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपको LTP पे चाहिए या कैंडल क्लोज पे चाहिए. नाउ बेसिकली अगर आपको LTP पे कोई भी स्ट्रैटेजी चाहिए, बैक टेस्टिंग जो हो रही है वो हो रही है LTP पे. अगर आपको कैंडल क्लोज पे चाहिए तो आप कैंडल क्लोज यूज कर सकते हो फॉर री एंट्री एंड एज वेल एज री एग्जीक्यूट. नाउ इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हम डिस्कस करेंगे. जैसे लेग वन में आपकी एंट्री जो होगी वो किस किस ऑर्डर टाइप में होगी, एंट्री आपकी होनी चाहिए NRML ऑर्डर टाइप में या MIS ऑर्डर टाइप में. अगर आप बैंकेक्स या सेंसेक्स यूज कर रहे हो तो आपको अब मोस्टली ब्रोकर NRML ही अलाउ करेगा. तो जनरली आप एक सिंपल रूल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं है चार्जेस में, तो आप हर 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 सेटिंग के लिए आप NRML ही यूज कर लीजिए. टारगेट SL जो है ये क्या देना चाहिए. नाउ इस केस में ट्रिगर प्राइस और ट्रेडेड प्राइस दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है. अगर आपको ट्रिगर प्राइस चाहिए, ट्रिगर प्राइस बेसिकली वो रेफरेंस प्राइस लेता है चार्ट में, कि अगर 10 बजे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट क्या था और वो ट्रिगर प्राइस ले लेगा,
भले ही आपका ऑर्डर जैसे से कि 100 रुपए में आपका ऑर्डर फिल हुआ, मगर जो ट्रिगर प्राइस था वो था 102 रुपीज, राइट। तो आपका जो एसएलओ टारगेट रहेगा वो बेस्ड ऑन 102 रुपीज रहेगा, क्यों? क्योंकि चार्ट में 102 रुपीज का ओपनिंग कैंडल प्राइस दिखा है उस केस में, राइट। तो इस केस में अगर आपको बैकटेस्ट और लाइव से मैच करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड मॉनिटरिंग को एलटीपी पे यूज करिए एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म में, और एसएलएन टारगेट रेफरेंस जो रहेगा वो आपका ट्रिगर प्राइस रहना चाहिए, डिले एंट्री बाय 0 सेकंड, तो इसमें कोई भी आपको डिले नहीं चाहिए पर्टिकुलरली। एंट्री ऑर्डर टाइप जो रहेगा वो लिमिट ऑर्डर रहेगा, बफर टाइप जो रहेगा वो परसेंटेज रहेगा, ट्रिगर बफर जो रहेगा वो 0 रहेगा। इसमें ट्रिगर बफर आपको कुछ भी नहीं डालना है, अगर आप ट्रिगर बफर डालोगे तो आपकी एंट्री जो है वो अर्ली हो जाएगी एग्जिट, मतलब आपको लाइव और बैकटेस्ट में काफी सारा डिफरेंस आने लग जाएगा। लिमिट बफर जो रहेगा वो आपका 3 का रहेगा, बेसिकली 3 से 5 का आप ले सकते हो, और कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर आफ्टर 1 सेकेंड आप ये ले सकते हो इन केस ऑफ एंट्री ऑर्डर टाइप। नाउ नाउ एग्जिट ऑर्डर टाइप जो रहेगा, एग्जिट ऑर्डर हमेशा आपका लिमिट ऑर्डर रहेगा, बफर टाइप जो रहेगा वो परसेंटेज वैल्यू रहेगा, ट्रिगर बफर जो रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा। लिमिट बफर आप 10 का यूज कर सकते हो, कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर आफ्टर 2 सेकंड या 3 सेकंड यूज कर सकते हो, जितना आपको ठीक लगे। मॉनिटरिंग जो आपका रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो 5 सेकंड रहेगा आपका, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूशन का सेटिंग। जनरली एग्जीक्यूशन का सेटिंग आपका सेम रहना चाहिए सभी स्ट्रेटेजीज के लिए। अगर आप एल्गो टेस्ट में बैक टेस्ट कर रहे हो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर सेटिंग्स का, यही आपकी सेटिंग्स जो है, यही आपकी सेटिंग्स आपको डुप्लीकेट करना है हर पर्टिकुलर हर इंडेक्स में कोई भी स्ट्रैटेजी आप रन कर रहे हो, राइट। तो जैसे ही हमने देखा कि आपने आपने कोई एक स्ट्रैटेजी रन करी, लेट्स से मैंने एक लेजी लक की स्ट्रैटेजी बना ली, इधर काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि अगर आपको प्रीमियम लेस देन 100 चाहिए, प्रीमियम ग्रेटर देन 100 चाहिए, सिंपल मोमेंटम चाहिए जहां पर आपको ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, एंड अगर आपको रेंज ब्रेकआउट चाहिए तो रेंज ब्रेकआउट का भी फीचर अवेलेबल है। जैसे कि इधर मैं देख सकता हूँ कि अगर मुझे 935 से 945 की रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना है तो मैं ये रेंज ब्रेकआउट का फीचर भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो काफी सारे कॉम्बिनेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एल्गो टेस्ट का आपको मैंने काफी सारे इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं हर पर्टिकुलर फीचर के ऊपर, तो आई लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आई लिंक में आपको मैं शेयर कर दूंगा, राइट। एल्गो टेस्ट की साइनअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप साइनअप करके आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा। नाउ प्राइसिंग में देखेंगे तो प्राइसिंग में आपको स्टार्टर पैक जो मिलता है वो है 300 रुपीज का, और एक्सप्लोरर पैक जो है वो है 899 रुपीज का, और प्रो प्लान जो है वो है 1999 रुपीज का। ये है विदाउट जीएसटी, राइट। तो इसमें आपको जीएसटी ऐड करना है, तो जितना आप महंगा प्लान लोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बैक टेस्ट और लाइव, आप अगर कोई भी स्ट्रेटेजी को लाइव टेस्ट करना चाहते हो और लाइव ट्रेड करना चाहते हो, साथ में आप बैक टेस्ट करना चाहते हो, तो प्रो प्लान ही आपको सजेस्टेड है, जिससे आपको एक वैल्यू फॉर मनी बेसिकली अवेलेबल है, राइट। तो ये एक मेरा सजेशन रहेगा जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो, साथ में लाइव ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपके साथ मैंने काफी सारे जैसे कि अभी मैं आपके साथ में एक M2M ग्राफ शेयर करता हूँ। जैसे मैं अभी ये स्ट्रैटेजी रन कर रहा हूँ जहां पर मुझे दिन का पीएनएल देखने को मिलेगा कि मेरा पीएनएल क्या चल रहा है, बेसिकली कैसा मेरा M2M चेंज होता है इन अ सिंगल डे, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जहां पर मैं पूरे दिन का M2M देख सकता हूँ कि हाँ मेरा M2M कहाँ पर मेरा M2M पीक करा था और कहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। साथ में मैं पास्ट ट्रेड्स में पास्ट स्ट्रैटेजीज का मैं पीएनएल भी देख सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई भी स्ट्रैटेजी, लेट्स से मेरा 10 AM पोर्टफोलियो है, तो ये 10 AM पोर्टफोलियो में मैंने 8 लाख रुपए डाले, 8 लाख रुपए 6 लाख रुपए डाले, तो 6 लाख रुपए में मुझे अभी तक 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है कंटिन्यूअसली, एंड और कंटिन्यूअसली मैं इसमें ग्रीन डेज देखने को देख रहा हूँ। तो ये एक आप चीज एक देख सकते हो जहां पर मैं एक हायर हाई हायर लो मतलब प्रॉफिट की टर्म्स में ऊपर जा रहा है, और ये हर रोज पीएनएल मेरा नोट करके रखता है, एंड पर्टिकुलरली ये मेरे ट्रेड्स भी नोट करके रखा है, तो बेस्ट पार्ट ये लगती है मुझे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जहां पर आपको अलग से ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने की जरूरत नहीं, आप अपना अपना पीएनएल नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका एल्गो टेस्ट आपका सब कुछ ट्रेडिंग जर्नल भी काइंड ऑफ मेंटेन करके रखता है, एंड ये एक बेस्ट पार्ट लगी मुझे। अगर आपको एक 30 to 45 मिनट का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एल्गो टेस्ट करके कमेंट करना, और मैं एक डिटेल्ड काफी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं हर फीचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन, एंड दैट मे टेक अराउंड 35 to 40 minutes, right? Do share this video with all of your friends. Like and subscribe to the channel. Thank you.